अभी हम देख रहे हैं रिलायंस के चार्ट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस ने एक पोल टाइप बना दिया है, ठीक है। पोल बनाने के बाद यहाँ पे फ्लैग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिससे फ्लैग ऊपर साइड ब्रेकआउट दे देता है और सस्टेन कर देता है, तो हम लोग अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। एक नया हाई वो हम लोग देख सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ पे इस चैनल को टूटने दीजिए, इसका हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर साइड है और ये अभी एक गैप फिल करता है कि नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो अपसाइड जाता है, या तो एक गैप फिल करके जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो एक गैप फिल पहले करेगा, उसके बाद अपसाइड जा सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है यहाँ पे, और ये चैनल ब्रेक होना चाहिए तभी हम लोग अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आने दीजिए, इसको टेस्ट करने दीजिए यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करके ऊपर साइड जाने लगे, आपको कंफर्मेशन मिले, तब आप लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे।